हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का एक क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड हिट एन आइस ब्लॉक ऑफ मास 990 ग्राम केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर एंड गेट स्टक इन इट। हाउ मच आइस विल मेल्ट इफ 50% ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गोज टू आइस। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस ब्लॉक एंड ब्लेड 0 डिग्री सेल्सियस और 400 इधर रखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, एक बुलेट है आपकी, ये पहले इसका मास रखा है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है। इसे चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में, तो 10 × 10^2 माइनस की 3 किलोग्राम। इसकी स्पीड है बुलेट की, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड। एक ये आइस का ब्लॉक है जो कि रेस्ट में, इनिशियली ये आइस ब्लॉक है, और इसका मास है कैपिटल एम मान लेते हैं 990 ग्राम में है ये भी, तो इसे भी 10^-3 kg में कर लेते हैं, तो ये रेस्ट में इनिशियली। ठीक है, अब क्या होता है, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर रखी हुई है, कोई फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे। अब क्या होता है कि इसमें ये बुलेट आके एबेंडेड हो जाती है, ये आ गई है ऐसे, और फ्रिक्शनलेस फ्लोर होगा तो इसकी फाइनल स्पीड मान लो आपकी वी हो गई। ठीक है, और टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम मान लेते हैं। ठीक है, इतना मास हो जाएगा। अब कितनी स्पीड हो गई इसकी, वो वी हो गई, तो ये फाइनल स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखो, इसमें जब ये से टकराएगी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसको पूरे एक सिस्टम मान लें तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, एक बॉडी का नहीं सिस्टम का, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन और ये फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इनिशियल लिखते हैं, तो ये मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट वी बी प्लस ये मास ऑफ आइस इंटू जीरो रेस्ट में है, इज इक्वल टू ये हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी वी। तो ये कितना है, 10 × 10^-3 × 20 इज इक्वल टू ये हो गया 10 + 990 × 10^3 कॉमन ले लिया, इंटू वेलोसिटी निकाल लिया अभी, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 1000 इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, 200 / 1000, ये कट गया 0.2 मीटर पर सेकेंड आई, इतनी हो गई टकराने के बाद। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पूरे सिस्टम की इनिशियल का एनर्जी देखें के आई, तो ये है हाफ एम वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर, और इसकी तो का एनर्जी जीरो होगी इनिशियली टकराने से पहले, क्योंकि तो रेस्ट में है, इसीलिए इतनी लिख दें, तो हाफ एम कितना हो गया, 10 × 10^-3 एंड वेलोसिटी 20, 2 से कट गया ये 10, तो देखो 10 और 10, 2 से कट गया ये, हाँ 10, तो ये 10 10 100 हो गया, तो कहीं गलती कर दी क्या, 10 और ये 20 का स्क्वायर है ना, 1 और 20 आएगा, तो ये हो गया 1 0 2 0 और 3 0, इससे कट गया, तो ये आ गया 2 जूल। ठीक है, इतनी इनिशियल एनर्जी थी सिस्टम की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम टकराने के बाद पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखें, के फाइनल इज इक्वल टू
आप कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो गया हाफ इंटू, ये था 1000 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, दोनों को ऐड करके 1000 आ रहा था बेटा, ये आ रहा था मास, दोनों को ऐड करके टोटल मास पूरा सिस्टम का, इंटू वेलोसिटी निकालिए 0.2, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 स्क्वायर कर दिया। तो देखो इससे तो ये पूरा कट गया, पर 2 से ही कट गया ये 0.1 बार, तो ये हो गया 0.02। इतने जूल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो लॉस ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, तो ये लॉस ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल आई, 2 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आएगा 1.98 जूल, इतनी एनर्जी लॉस हो रही है। अब इस लॉस्ट एनर्जी का 50%, इफ 50% ऑफ द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी गोज टू आइस, जो काइनेटिक लॉस हुई हमारी वो इतनी हो रही है पूरे सिस्टम में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 50% ऑफ लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में जा रही है, गोज टू आइस को जा रही है बेटा, तो कितनी आइस मेल्ट होगी ये पूछ रहा है, हाउ मच आइस विल मेल्ट इफ, तो कितना गेन इन हीट गेन ले दो, हीट गेन बाई आइस मेल्टेड, तो 50%, 50/100 इंटू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी 1.98 जूल में बेटा ये, और ये मास इंटू मेल्टेड आइस जब होती है तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस एंड ब्लॉक एंड ब्लेड सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली जब ये पूरा सिस्टम जो बना उसका टेम्परेचर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो आइस मेल्ट होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है ना, तो इसलिए एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले सकते हैं। अब इतनी जानकारी आ गई, मास पूछ रहा है कितनी आइस मेल्ट हुई, तो यहाँ पे ये मेल्टेड आइस का मास है ना, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब आप केवल क्या कर सकते हैं, मैं वैल्यू पुट कर लूं, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ऐसे होता है, या तो इसे जूल में बदल लो या फिर जो है इसको कैलोरी में, चलो इसी को जूल में लिख लेते हैं, जूल पर केजी में लिख लेते हैं, क्योंकि ये सब ऐसा सिस्टम है पूरा के पूरा इस साइड में, तो इसको लिखें तो 80 एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, और ग्राम को भी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, कैलोरी पर ग्राम है ना ये, और हमारा तो ये सब ऐसे सिस्टम चला है ना, ठीक है, तो इसको ग्राम को लिखें 10^-3 किलोग्राम जूल पर किलोग्राम, इसीलिए ये यहाँ लिख दें तो 50/100 इंटू 1.98 इज इक्वल टू मास इंटू, ये हो गया 80 × 4.2 और डिवाइड बाई 10^-3, ये पूरा ऐसे सिस्टम में आ गया। अब यहाँ से एम निकाल लें बेटा, तो देखो ये जो 2 आर कट गया, तो यहाँ लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू 1.98/80 इंटू 4.2, और ये 2 आर घटाना है यहाँ पे, तो इंटू यहाँ पे आ जाएगा ये इंटू 2 और यहाँ 10^-3, इतना केजी आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए ग्राम में बेटा, देख रहा है, ग्राम में आंसर चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं हम इतने वाले को ग्राम, 10^-3 केजी को लिख सकते हैं हम ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में 10^-3 केजी, इसे सॉल्व कर लेना बस, केवल 1.98 और 80 × 4.2 × 2 ये आ रहा है हमारा, है ना, इसको सॉल्व कर लें, इसको ग्राम में लिख लें, ये ग्राम है, इसको सॉल्व करके
आप देखना तो ये वैल्यू जो आ रही है 0.0024 आ रही है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट 0.003 ग्राम। इतना ग्राम आपकी आइस मेल्ट होगी सॉल्व करने पर, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।